नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वृष राशि वाले फरवरी महीने में संडे टू संडे यानी 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख के राशिफल के बारे में बात करूंगा। बात करने से पहले मैं बात करता हूं कि गोचर जगत में क्या ग्रहों की स्थिति है और ये एक सप्ते में किस पर्व त्यौहार फरवरी महीने में यानी 2 तारीख से 9 तारीख के मध्य में रहेगा। 2 फरवरी को भीमाष्टमी है, 6 फरवरी को भीष्म द्वादशी है। चंद्रमा 2 तारीख से 5 तारीख तक वृष राशि में रहेंगे यानी उच्च रहेंगे। 5 तारीख से 7 तारीख तक मिथुन में और 7 से लेकर के राशि फल बताने तक जो है चंद्रमा कर्क राशि में यानी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, यानी संजोग बहुत बढ़िया है। फरवरी 8 तारीख से धनु राशि में मंगल चले जाएंगे और 3 तारीख से शुक्र उच्च का हो रहा है, जो बहुत शुभ संकेत है। गोचर जगत में विभिन्न प्रकार की कहीं न तो कहीं परिस्थिति में देख रहा हूं। एक तरफ जो है बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रखा है तो उधर गुरु और केतु चंडाल योग भी बना रखा है। 30 जनवरी से उदय तो हुए हैं शनि, 24 जनवरी से राशि के परिवर्तन भी हुई है, शनि की मकर राशि में गए हैं। चलिए मैं बात करता हूं कि 2 तारीख से 9 तारीख तक यानी संडे टू संडे वृष राशि वाला कैसा रहने वाला है आपका इस सप्ते का हाल। करियर की बात मैं करता हूं, करियर का स्वामी जो है बुध और शुक्र जो है एक साथ स्वयं स्थित है, यह सप्ताह आपका करियर के मामले बहुत बढ़िया रहने वाला है। उच्च का चंद्रमा चल रहा है 5 तारीख तक, जो पराक्रम में वृद्धि करेगा। कुछ काम में आप संकोच कर रहे थे वो भी पूर्णता आपका हो जाएगा और 2 तारीख से 5 तारीख तक में करियर आपका ठीक रहेगा। हाँ, 5 तारीख से 7 तारीख के बीच कुछ नौकरी में परिवर्तन का विचार अगर कर रहे हैं तो ये समय परिवर्तन का है। व्यापार में भी थोड़ा परिवर्तन आपका इस समय हो जाएगा। 3 तारीख से उच्च का जब शुक्र हो जाएंगे ना तो आपके कुंडली में व्यापार की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, यानी अब जिस क्षेत्र में है ना आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। धन इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता ना, तो उच्च का शुक्र 3 तारीख से हो रहा है तो धन तो आपको जबरदस्त देने वाला है। राहु उच्च का धन राशि में खुद बैठा तो अचानक अचानक धन की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर होगी, यानी धन का कमी तो वृष राशि वाला नहीं होने वाला है। जिस क्षेत्र में भी आप वो स्टॉक एक्सचेंज हो, करियर हो यानी नौकरी हो, व्यापार हो, कमी नहीं। विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी जबरदस्त चलने वाला है। 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में विदेशों का कुछ पैसा फंसा या दूसरों के पास कुछ पैसा फंसा है तो वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। संपत्ति जब चाहे तो प्राप्त कर ले, संपत्ति के मामले में ग्रह बढ़िया चल रहा है। 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में संपत्ति का योग बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध 2 तारीख से 5 तारीख तक ठीक नहीं रहेगा, 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में प्रेम संबंध में आपके सुधार आ जाएंगे, मधुरता आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन 8 तारीख तक तो आपका ठीक रहेगा, 8 तारीख से दाम्पत्य जीवन में थोड़े खटास होने चालू हो जाएंगे, यानी 8 और 9 में दाम्पत्य जीवन आपका खराब रहने वाला है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पारिवारिक बात में करता हूं तो पारिवारिक स्थिति तो अभी खटपट थोड़ी चल रहे हैं आपके, थोड़ी बुद्धि आपके अंदर डेवलप हुआ है तो पारिवारिक स्थिति कह सकता हूं कि 2 से 5 तक तो नहीं लेकिन 5 इसके बाद 9 तारीख तक आपके पारिवारिक स्थिति ठीक रहेंगे। सभी लोगों से तालमेल अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों से भी तालमेल अच्छा रहेगा और विदेश यात्रा वगैरह भी प्रोग्राम बनाएंगे तो इस समय आप जा सकते हैं। शिक्षा की बात में करता हूं तो शिक्षा स्थान के स्वामी खुद तो बुध है और बुध की पोजीशन तो शुक्र के साथ है, लेकिन 3 तारीख के बाद ये परिवर्तन हट जाने वाला, कोई बात नहीं। शिक्षक योग आपके बहुत अच्छे रहेंगे, शिक्षा में कोई कमी नहीं रहने वाला। शिक्षा से रिलेटेड अगर आप कोई प्रयास भी कर रहे हैं नया जॉब वगैरह का तो वो भी आपको लग जाएगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा पक्का, कब से बता देता हूं, 8 फरवरी से 2 दिन तक यानी इस सप्ताह में स्वास्थ्य आपका थोड़ा ज्यादा गड़बड़ रहने वाला है। करना क्या चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, करना क्या चाहिए तो स्वास्थ्य के मामले में पैर का कष्ट, पेट की प्रॉब्लम, और क्योंकि गुरु और केतु जब साथ में बैठे हैं ना तो चंडाल योग, चंडाल योग में लीवर से रिलेटेड परेशानी, जिनको शुगर है उनकी थोड़ी परेशानी बढ़ती रहती है। ये सप्ताह आप कुछ मत करें, गुरुवार के दिन जो है आप उपवास कर ले। मंगल खराब हो रहे हैं, धनु राशि में मंगल का आना बेटर नहीं है तो कुछ नहीं करना है। प्रत्येक दिन 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में हनुमान जी को आप
लाल बादाम दाना चढ़ाते रहें, आशीर्वाद लेते रहें। पूर्ण राशि फल मैंने बताया। चैनल अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जीवन में समस्याएं हैं, अपॉइंटमेंट लें और अपने जीवन की समस्याओं को जानें। दीजिए आज मुझे इजाजत दर्शकों, आऊंगा फिर आपके पास। नमस्कार।